हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है संदीप गौतम, आप लोग देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कुरियर आई। सो गाइस, लेकर आ चुके हैं आज आप लोगों के लिए बेहद ही खास एंड इंटरेस्टिंग यूनिक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट इंटरेस्टिंग यूनिक वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने वीआई के नंबर की कॉल हिस्ट्री कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग किसी और कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं तो अपने कंपनी का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें और बताएँ कि आप भी अपनी कंपनी की डिटेल्स निकालना चाहते हैं। तो गाइस, आज हम लोग निकालेंगे अपने वीआई नंबर के डिटेल्स किस कंपनी और कैसे निकालेंगे, पूरे 6 महीने की डिटेल्स जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके देना गाइस। बेसिकली इसके लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, करना क्या है और इस चीज़ और बता दूँ आपको, ये आपको जो वेरीफिकेशन होगा बैलेंस का, है ना। तो क्या है, आपको अपने जो है पहले ईमेल को रजिस्टर्ड करना होगा। ठीक, जब आपका ईमेल रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपको ईमेल पे आपको 6 महीने का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, 6 महीने का। लेकिन ध्यान रहे, आपका जो करंट मंथ है इस महीने को छोड़ के पिछले 6 मंथ्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो गाइस, ऐसा करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले करना होगा एक छोटा सा काम। क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी ईमेल को रजिस्टर्ड करना है अपने यही नंबर से। रजिस्टर्ड करने का प्रोसेस चलिए हम देखते हैं। तो हमें चलना है मैसेज में और एक मैसेज टाइप करना है कंपनी को। ठीक है, कंपनी को एक मैसेज टाइप करना है। तो हमें लिखना है ईमेल। ठीक है, ईमेल इस पर अपना ईमेल आईडी तो सेंड कर देना है। ठीक है, सेंड करना है। कौन से नंबर पर सेंड करना है चलो हम लोग प्रोसेस को सेंड ऑन कर दें। ठीक है, तो गाइस मैं अपने फोन में आ चुका हूँ। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस भी बढ़ा दिया मैंने। तो हमें सबसे पहले टाइपिंग करेंगे, नंबर टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 199 कर दिया। ठीक है, अब मुझे मैसेज करना है इनको। मैसेज कैसे करना है पूरा वीडियो। तो हम सभी बोला गया था, तो पूरा वीडियो देख कर जाना। ठीक है, हमें अपने और हम यह टाइप करेंगे। ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, लिखेंगे EMAIL। ओके, ईमेल स्पेस दे रहा हूँ स्पेस देके। ओके,
5 seconds. Stop recording. Space. Stop recording. Space. Next language. Space. Stop. Space. Gmail. Next language. Space. Full stop. Full stop. Okay. Editing. Emails at the bottom 49. Lines. Words. Check. Full. Space. Space. 1 minute 44. Delete. Space deleted. Editing. Emails at the bottom. Full stop. C. Charlie. C. O. Oscar. O. Stop recording. M. Mike. M. Okay. मैंने अपना ईमेल आईडी टाइप कर दिया है. People use email. Window pop up. Send message. 129. SIM card 2. Editing. Emails at the bottom 49 at gmail.com. Edit box. Text message. पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे. अब मैं इसको सेंड करता हूँ. SIM 129. Send message. Button. Show English video QWERTY keyboard. Clear text. Show English video QWERTY keyboard. Messaging. अब मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ. ये आपको उसी नंबर से होना चाहिए जिस नंबर से आप लोग जिस नंबर के आप लोग डिटेल्स लेना चाहते हैं. ठीक है, जिस नंबर से आप लोग डिटेल्स लेना चाहते हैं ये उसी पर होना चाहिए. अब आपको ईमेल पर क्या होगा, पूरा इस महीने को छोड़कर पिछला 6 महीने का पूरा कॉल डिटेल्स आपको आपके नंबर पर आपकी ईमेल के थ्रू मिल जाएगा. ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, आपको नेक्स्ट टाइम डिटेल्स लेने के लिए कोई ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं कराने को पड़ेगा. सिंपली आपको वीआई ऐप को लॉगिन करना और वीआई ऐप में प्रीपेड बिलिंग पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा बिल आ जाएगा. ठीक है, आपको 6 महीने का आपका पूरा 6 महीने का डिटेल्स ले सकते हैं. ठीक है, 3 minutes, 5 seconds. तो बैक करता हूँ. दिखा रहा है क्योंकि मेरा पहले जियो का सिम कार्ड था इसलिए जियो के नाम से सेव है सर. और एक मिनट मैं गाइस देखता हूं थोड़ा सा. अच्छा, मेरा ईमेल आईडी हो गया यहां पे है ना, जियो का तरफ से पता नहीं क्या है, घंटा ऐसा ही दिखा रहा है ना. मैं ऊपर देखता हूं थोड़ा सा. ये अभी तक ईमेल मेरा मतलब ईमेल यहाँ पे बोल रहा है कि अपडेट हो गया, बट अभी तक मुझे ईमेल आया नहीं. तो मुझे 6 महीने के मुझे 30 मिनट के बाद ये डिटेल्स दिख जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो गाइज अब 30 मिनट का वेट हमें करने को पड़ेगा यहाँ पर गाइज. तो वैसे मुझे ये डिटेल्स आ जाएगा. ठीक है, अगर आपको डिटेल्स नहीं आती है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और हम लोग यहाँ पे 30 मिनट का वेट करेंगे और देखेंगे. खैर, मैं आपको ईमेल तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा डिटेल्स है. ठीक है, तो इससे अगर आपको नहीं आता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा. तो गाइस आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं. वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएगा. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.